This is the day the Lord has made, and dear friends, therefore, let's rejoice and be glad in it. और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और इसलिए मेरे मित्रों होने दें हम इसमें आनंदित हो जाएं। Each day is a gift from God. और याद रखिए हर दिन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है That's why we need to give thanks to God. और इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है And uh, let us spend these few minutes in the presence of God.

all parents have dreams for their children and a father's greatest joy is to see his son or daughter reach us to that place and position and height where he wanted his son or उपाधि हमें हम से कईलाइज जो इस बात को नहीं जानते या नहीं समझते फॉर हिज चिल्ड्रेन की हमारे स्वर्ग पिता का भी अपने बच्चों के लिए सपने हैं। And we are his और हम सब उसके बच्चे हैं for who has Jesus in him, are his और एवरी वन हुजी आर हिज चिल्ड्रेन और हर एक वो जन जिसके भीतर प्रभु येशु मसीह जीवित है वो उसके बच्चे है Do you know the dream our heavenly Father has for you and me? क्या आप उस सपने को जानते हैं जो हमारा स्वर्ग पिता आपकी और मेरे लिए रखे हुए हैं? To reach the place God wants to see us. ताकि हम उस स्थान पर पहुंचने पाएं जहां पर मेश्वर हमें देखना चाहता है. God, our heavenly Father, by the work of the Holy Spirit. Doing his work in us. और वो हमारा स्वर्गीय पिता जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कार्य को हमारे जीवनों में करता है और वो हमें बदलता चला जाता है टेकिंग मी फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट वो मुझे एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाता है एज अज पॉल से टू विक्टोरी जैसे पॉलिस प्रेरित कहता है विजय से विजय की ओर फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी और महिमा से महिमा की ओर अंटिल i am like jesus जब तक मैं यीशु के समान न बन जाऊं until jesus christ is formed within me जब तक यीशु मसीह मेरे भीतर नहीं बन जाता until i am patient as he is patient और जब तक मैं वो धीरज नहीं रखता जैसे उसके पास धीरज और संयम है until i am loving as he is loving जब तक मैं प्रेम करने वाला नहीं बनता जैसे वो प्रेम करने वाला है until we are kind as he is kind और जब तक मैं दयावान ना बन जाऊं जैसे वो दयावान है until i am gentle As he is gentle. और जब तक मैं जैसे वो नम्र है वैसे मैं भी नर्म ना बन जाऊं। In other words, दूसरे शब्दों this में, this is exactly what Paul expressed, what we need to be in Philippians chapter two और दूसरे शब्दों में पॉलुस भी इसी बात का वर्णन कर रहा है फिलिपियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय पांचवे वचन से लेकर नवे वचन तक दैट होल us वन मैसेज और वो पूरा अध्याय या पूरे ये वचन हमें एक ही संदेश को बतलाते है वेरी माइंड or attitude of christ be in you and in me and this is what Prayer must achieve for us. और इसी बात को प्रार्थना को हमारे लिए हमारे जीवनों में पूरा करना पास so और इसलिए इस अध्याय को सुनना हम सब के लिए अच्छा है पत्री उसका दूसरा अध्याय पांचवे वचन से लेकर नवे वचन तक have this mind among yourselves और is पर बताया गया है Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death.

वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेके गॉड है ड्रीम फॉर एब्राहम और परमेश्वर का एक सपना इब्राहिम के लिए भी था शुड कि वो विश्वास योगियों का पिता ठहरे एंड ऑल्सो ही बी सोर्स

सूरज के नीचे ऐसा कोई भी राज्य या देश नहीं जो इब्राहिम की वजह से आशीषित फॉर जेकब और परमेश्वर का याकूब के लिए भी एक सपना था कि ही मस्ट बिकम ऑफ उन 12 गोत्रों को जो इज़राइल के गोत्र है उनका पिता ठहरे God had a dream for Joseph. To to be second only to Pharaoh. वो फेरोन के से सिर्फ स्थान में दूसरा ठहरे In Egypt. मिस्र में and God revealed His dream to Joseph. और परमेश्वर ने अपने सपने को यूसुफ को दिखाया And, uh, he could have been puffed up और हो सकता है उस बात को जानने के बाद यूसुफ फूल घमंड से फूल जाम प्राउड और घमंडी और विद्रोही समान हो जाता and destroyed himself. और खुद का नाश कर लेता सो वॉट डिट गॉड डू परमेश्वर ने क्या किया God had to protect Joseph from ruin. और परमेश्वर को यूसुफ को बचाना पड़ा ताकि वो बर्बाद ना हो। But how did he do it? लेकिन कैसे परमेश्वर ने इस बात को किया? By what Joseph went through in his life. और जिन बातों से यूसुफ अपने जीवनों में हो करके निकला। He was hated by his brothers. उसके भाइयों के द्वारा उसका तिरस्कार किया गया। He was put in a ड्राई वेल well और एक यूसुफ को निकालकर उन सारे भाईयों ने मिलकर बेच दिया और मिस्र में भी उसे बेचा गया अब एस ए स्लेव और मिस्र में भी एक दास के समान उसे बेचा गया इन दाउस ऑफ फोर्टीफायर और वो पोतिफर के घर हाई ऑफिशियल फेरोन के जो उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उनके घरों में इनटू प्रिजन uh, और वहां से

That और led वो सारी, सारी बातें जो उसके जीवन में घटी वो एक चरण थे प्रक्रिया थी ताकि वो या उस मिस्र देश में पहुंच जाए And he the of his of और, about 75 और वो अपने पूरे परिवार के लिए उद्धार या जीवन को लेकर के आए इंक्लूडिंग फादर जेकम और ये उसमें उसका पिता याकूब भी शामिल And था शामिलोलाइट ग्रू In और मिस्र में इसराइली गिनती में बढ़ते चले गए And in 400 years, the Israelites became a nation. और 400 सालों में ये इसराइली एक राज्य एक राष्ट्र के समान बन गए हिस्ट्री और ये जो बाकी बची बातें पूरा इतिहास है एंड हु और इन सारी बातों के पीछे का स्रोत कौन है जोसफ यूसुफ परमेश्वर का क्या सपना है आपके और मेरे लिए you know, in one word, एक शब्द में, like कि आप और मैं उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। exactly और वो अपने पुत्र के समान और हमें देखना चाहता है You read

वहाँ पर हम अनंत के लिए याजक और राजाओं के समान होथ क्राइस्ट फॉर इटर्निटी और अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे यही परमेश्वर का सपना है आप इट इज नॉट अ स्मॉल ड्रीम और यह कोई छोटा सपना नहीं इट इज अग ड्रीम और यह तो एक बड़ा सपना है Why डोंट यू लिव योर लाइफ इन रिलेशनशिप विद दिस गॉड हु

और, उस, और उसने इस बात को साबित किया कि वो तेरे इच्छा के प्रति विश्वास बनते हैं By faith in the Lord Jesus Christ, और उस विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर है योर ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस इज दी लाइक यूर सन जी तेरा सपना हम सब के लिए यही है कि हम सब यीशु के सदस्य बने और इस कारण वर्ष उसके संग राज्य करते रहे लॉर्ड परमेश्वर इज़ बिग ड्रीम और ये एक बहुत महान सपना फॉर इट हम इसके योग्य नहीं लॉर्ड एंड येट दिस इज वॉट आर ड्रीमिंग और परमेश्वर यही तेरा सपना है एंड यू हैव मेड ऑल द प्रोविजंस फॉर अस टू लिव इन सच अ वे तू ने हर एक उस प्रकार बात को मुहैया कराया है कि हम इस दृश्य के समान रहने पाए so are, और यहाँ पर अब है परमेश्वर इन जीजस नहीं God bless you, my friends। परमेश्वर आप सबको आशीष दे ग्रेट ये एक महान दिन है Enjoy your day। अपने दिन का आनंद आप ले make all the efforts। और हर एक प्रयत्न करें to be transformed into His likeness। कि आप उसकी समान बनते चले जाएं। Amen।, Amen.